भगवान श्री कृष्ण की गौचारण व क्रीड़ा स्थली श्रीधाम वृंदावन में मंगलवार को गोपाष्टमी पर्व विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों के मध्य धूमधाम से मनाया गया, जहां गौ भक्तों ने श्रद्धा भाव के साथ गौ माता का पूजन किया। इसी श्रृंखला में रेलवे स्टेशन के समीप स्थित श्री पंचायती गौशाला में भी प्रातः से ही गोपाष्टमी पर्व की धूम दिखाई दी, जहां 125वें श्री गोपाष्टमी महोत्सव के मौके पर गौशाला के पदाधिकारियों व गौ भक्तों द्वारा गौ माता की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया गया। जी बताए, क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया? आज गोपाष्टमी का पावन पर्व है। जैसा कि सर्वविदित है कि गोपाष्टमी का ये जो महोत्सव है, ये हमारे प्रभु ने जब जन्म लिया ब्रज में, उसके बाद गौचारण उन्होंने जिस दिन शुरू किया वो दिन गोपाष्टमी का था। आज गोपाष्टमी के पर्व पर पूरे ब्रज में बड़े हर्षोल्लास से गौ माताओं का पूजन हो रहा है। और ब्रज क्षेत्र ही एक ऐसा है जहाँ आज भी लाखों लाखों की संख्या में गौ माताएँ विराजमान हैं ब्रज के अंदर, विभिन्न आश्रमों में हैं, घरों में हैं, गौशालाओं में हैं। ये हमारी पंचायती गौशाला जो कि ब्रज की सर्वश्रेष्ठ गौशालाओं में आती है, अति प्राचीन 125वां वर्ष गोपाष्टमी का आज यहाँ मनाया जा रहा है। ये श्रेष्ठ गौशाला, बहुत ही नियोजित गौशाला और गौ माताओं की बड़ी संख्या हमारी गौशाला में है। यहाँ की प्रबंध समिति जो पूरे मनोयोग से गायों की सेवा करती है, सभी महानुभाव मेरे साथ उपस्थित हैं। हमारे बीच में प्रमुख शिक्षाविद डॉक्टर विनोद बनर्जी, समाज सेवी विक्रम भवालिका जी, यहाँ के प्रशासक स्वामी महेशानंद सरस्वती जी, स्वामी शंकरानंद जी महाराज आदि आदि जो भी लोग हैं, वो सब लोग यहाँ हैं। आज प्रातःकाल गौ माताओं का पूजन भगवान राधा कृष्ण के स्वरूप के साथ यहाँ हुआ है। शाम को रासलीला का भी कार्यक्रम होगा और सभी ब्रजवासी यहाँ आकर आज गौ माताओं का पूजन कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर सभी ब्रजवासियों की और देशवासियों की सुख और समृद्धि की कामना करता हूँ। गौ माता सब पर कृपा करे, सब सबके घर में आनंद ही आनंद हो, ऐसी मेरी शुभकामना आज के दिवस पर है।